फाइनली गाइस घर के लिए इतना सारा सामान ले लिया है, वो भी यूट्यूब का पेमेंट से लिया है। इस बार मेरा थोड़ा तकरा वाला आया है, पेमेंट 15,000 आ गया है, इसीलिए मैंने इतना सारा सामान ले लिया है घर के लिए। और भी सामान लेके आएंगे हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से और एक नया ब्लॉग में। तो गाइस अभी मैं शाम भी हो रहा है, मैं शाम से ही फिलहाल अभी 3 बज गया है, 3 बजे ही वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह तो स्टार्ट करना था लेकिन नहीं किया, मामा का बेटा का हालत सोच सोच के पूरा सभी लोग परेशान हो गए, इतना ज़्यादा ख़राब है उसका, वो किडनी का प्रॉब्लम है उसका, कितनी दो कितनी रहता है इंसान का, वो दो कितनी फेल हो गया है, इसी के बारे में सोच सोच के सभी लोग बैठ के इतना वो उसका बारे में सोच सोच के सभी लोग परेशान हो जाता है और बोलने से भी नगाइस पूरा रोना आ जाता है। इसी के कारण मैंने वीडियो भी स्टार्ट नहीं किया। फिर सब लोग अपना अपना घर में जा चुके हैं, दादी गए हैं और यहाँ का भैया भाभी सभी लोग आके पूरा यहाँ पे सो वो आपस में ही बात कर रहे थे, तो मैंने इसी के कारण वीडियो भी नहीं बनाया, स्टार्ट नहीं किया है। तो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। तो अभी जाएंगे मार्केट में, वहाँ से ना वहाँ जो हम लोग का कुकर है ना, बहुत बड़ा कुकर है, हम लोग बस 2 लोग हैं, 2 लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता है वो सब। तो बड़ा जो मैंने बड़ा कुकर लिया था ना, बड़ा कुकर इसलिए लिया था कि दोस्त वगैरह आ जाएंगे तो खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बड़ा वाला ले लिया था। तो हम दोनों के लिए छोटा वाला चाहिए, तो हम लोग अभी जाएंगे मार्केट में छोटा वाला कुकर लाने के लिए। और वहाँ से बीहू भी आ रहा है सामने, और बीहू का सामान भी लेके आएंगे। और मेरा यूट्यूब का पेमेंट भी आ चुका है, तो यूट्यूब का पेमेंट से भी मैं सामान वगैरह लेके आऊँगी, कि वो बीहू का है ना, बीहू आ रहा है ना, इसीलिए सामान मैं खरीद के पहले से मतलब खरीद के रख दूँगी, इसीलिए जाएंगे अभी मार्केट। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ से हम लोग सामान वगैरह लेते हैं, वही दुकान में आए हैं। बहुत घूरता है, बहुत घूमने गया था जी। हाँ घूमने गया अंकल, वो कुकर होगा हाँ छोटा वाला, वो ऐसे 2 लीटर का, डिजाइन वो दूसरा कर दिया ना, देखो अभी बदली कर, हाँ बदली कर दिया, पहले उस तरफ था अभी इस तरफ कर दिया। कौन सा लगा, प्लेन लेगा ना कलरफुल लेगा, वो छोटा वाला वो कलर का आएगा ना, कलर ब्लैक में, ब्लैक में नहीं वो रेड कलर में, ब्लैक में दे दीजिए हम 2 लीटर रेड कलर का, देखिए ना रेड कलर का नहीं होगा, और ब्लैक कलर में ऐसा वाला नहीं होगा ना, ऐसे रहता है ना, अब ब्लैक में भी ऐसे रहेगा। माने आपको इंडक्शन वाला चाहिए तो फिर इंडक्शन वाला में 3 का होगा 5 का होगा, ऐसा होगा, ब्लैक वाला दिखाया हमको, और फिर से हम लोग दूसरा दुकान में आए हैं, जो पहले दुकान में देखा था उसमें बहुत ज्यादा महंगा बोल रहा था, तो इसलिए हम लोग फिर से भैया का दुकान में आए हैं। यहाँ से भी हम लोग घर का सामान वगैरह लेके जाते हैं। खोलो ना उसको, बिना कुछ छोटा सा ये दोनों के लिए, अच्छा ये वाला फिर से लेके आ गया सामान, सब इसका पैसा सस्ता हो गया है, कितना 30 का 2 किलो लेके आया है। मोमो बनाया था, मोमो मोमो नहीं बनाया, बिजू के लिए, बिजू के लिए होता, बिजू के लिए मार्केटिंग करा, दैट मींस और हो गया मोबाइल, और वो लेके आना है क्या, आता आता चाहिए, ओके। और मैं दूसरा दुकान में भी आई हूँ, मैं ऐसा वाला लेके जाऊंगी पैसा जमा करने के लिए गैस, क्योंकि ना अच्छा लगता है मुझे ऐसा में पैसा जमा करने से, ये बहुत बड़ा है, अंकल से पूछ लेती हूँ एक बार कहाँ गया अंकल। हाँ
लेकिन ये सिलेंडर अच्छा भी लग रहा है और 100 रुपये भी है। दीजिए ना अंगुल 80 रुपये इसमें सिलेंडर। हाँ इतने लीजिएगा। इतना देर तक गए शॉपिंग किए आप लोग मार्केट में और बहुत ही ज़्यादा सामान लेके आया है, महंगा वाला नहीं सस्ता वाला लेके आया है। अभी आप लोग को मैं दिखाती हूँ, पहले अंदर जाते हैं, दरवाज़ा खोलेगा मेरा पति देव और लाइट भी जलाएगा क्योंकि रात हो रहा है ना इसीलिए। और इन लोग को देखो हम लोग आते ही पूरा खुश हो जाते हैं इन लोग को। तो गाइस सुबह ही आप लोग को मैं दिखाऊंगी क्या क्या सामान लेके आया है, नहीं तो ना कल खाना बनाना देर हो जाएगा। हाँ खाना बनाना देर हो जाएगा, भूख भी लग रहा है, सब्जी भी ढूंढना है अभी। बस बैगन ही, अब बैगन ही खाएंगे ना। और यहाँ पे मैंने चावल भी दे दिया है, चावल तो अभी रेडी भी नहीं हुआ है, एक छिट्टी भी नहीं मारा है। और मैं यहाँ पे बनाऊंगी ये वाला गैस अंडा, और मैंने इसमें दे दिया है मिर्ची दे दिया और ये प्याज दे दिया है। मेरा पति देव आज तेल के साथ नहीं खाएगा, बस बॉयल ही करेगा इसके ऊपर। और ये पानी उबलने के बाद मैं डाल दूंगी अंडा, तो इसको पहले उबलने के लिए छोड़ देता है। बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, बोला कि इस तरह से खाने के लिए। कभी इस तरह खाए हो या नहीं जरूर कमेंट करके बताना गाइस। और मैं अभी डाल रही हूँ अंडा, ऐसा करके मैंने भी नहीं खाया है, बस आज ट्राई करूंगी क्योंकि मेरा पति जब ने बोला है ना उसको मन कर रहा है इस तरह से खाने के लिए, तो मैं भी ट्राई करके देखूंगी आज। और इसमें मैंने वो सबरिंग भी डाल दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सबरिंग डाला है ताकि इसका खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है, खाना खाते समय ही मैं टेस्ट करूँगी। और फिर से मैं यहाँ पे अंडा बना रही हूँ, आज बस अंडा अंडा ही खाएंगे गाइस क्योंकि सब्जी है ही नहीं, अब बैगन है लेकिन खाने के लिए मन ही नहीं करता है, इसलिए कल जाएंगे जंगल में और जंगली सब्जी ढूंढ के लेके आएंगे घर पे, तभी बना के खाएंगे। तो गाइस खाना वगैरह तो हो चुका है और मैं ये वाला लेके आई हूँ सिलेंडर। तो इसमें ना मैं यूट्यूब का पेमेंट, मुझे मिल गया है यूट्यूब का पेमेंट गाइस, और इस तरफ भी है और यहाँ पे भी है। ये वाला मैं इसमें रखूंगी, ये सब मेरा क्या किसमें शादी का पार्टी के लिए, हाँ, शादी का पार्टी के लिए ये सब जमा कर रही हूँ मैं, जितना हो सके मेरे तरफ से इसमें डाल रही हूँ। तो आज से ही शुरुआत करेंगे गैस, ज्यादा तो डाल नहीं सकते हैं, खर्चा भी चाहिए, तो थोड़ा मोरा जमा करके ही रखूंगी मैं। हेलो दोस्तों, मैंने कल का वीडियो को मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि ना मैं खाना बना के पूरा खाना खा के रात को ही सो गई थी क्योंकि मामा का बेटा का हालत सोच सोच के पूरा रात भर रो रही थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, यही सोच के मैं रो रही थी, इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया है। और जो मैंने कल का सामान लेके आया था ना आप लोगों को भी नहीं दिखाया है क्योंकि रात हो जाता ना तो अच्छा वाला सामान भी अच्छा नहीं दिखता है, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया है। तो मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को मैं क्या क्या सामान लेके आई दुकान से, वो भी यूट्यूब का पेमेंट से। और इस बार ना यूट्यूब का पेमेंट मेरा आया है पहली बार गाइस हाईएस्ट, मतलब इस महीना हाईएस्ट मेरा आया है, 15,000 आया है मेरा यूट्यूब का पेमेंट। तो उसी से कुछ शॉपिंग वगैरह लेके आई हूँ और बिहू के लिए मैंने वो सामान भी लेके आया, थोड़ा मोरा सामान लेके आया है। और सबसे पहले अच्छा चीज़ मैं लेके आई हूँ, मेरा सिलेंडर एक तो लेके आई हूँ, मैंने कल भी दिखाया था आप लोग को मैं, और उसमें ना मैं वो यूट्यूब का पेमेंट आने से ना मैं थोड़ा मोरा पैसा इकट्ठा करूँगी क्योंकि ना अकाउंट में भी हम पैसा रख सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है कि अलग जगह में रखने के लिए, जिससे नहीं होता है पति से छुपा छुपा के बीवी या पैसा रखती है। छुपा छुपा के नहीं, मुझे पता लगे यहाँ पर रखते हैं पैसा, इसको पता है यहाँ पर कितना डाला मुझे पता है। कहते हैं कि शादी के पार्टी के, लेकिन कि हम लोग का शादी हुआ तो नियम हुआ बस पार्टी बाकी है तो पार्टी में सबको बुलाएंगे, तो इसके लिए पैसा जमा कर रही है, पूर्ण होने के बाद इसका पैसा से शायद पार्टी हो पाएगा, देखते हैं कितना बचत लगते हैं, तो नहीं करेंगे फिर भी करेंगे एवरेज करके, तो दूसरा की तरह धूमधाम करने पाएंगे हम लोग, छोटा छोटा यूट्यूबर ना चलिए जितना फ्यूचर के लिए ना, फ्यूचर में बच्चे होंगे वो लोग का पढ़ना बहुत जरूरी होगा उसी के लिए, मेरा जैसा पंगा छपरी बन जाएंगे। और किसी का जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, पहले से ही पैसा इकट्ठा करना चाहिए, जब वो क्या बोलता है कुछ हो जाएगा तो कहाँ से पैसा आ जाएगा, कहाँ से मांगेंगे पैसा, इसलिए मैं पहले से ही इकट्ठा कर रही हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि
पैसा जमा करना है इसे अलग जगह में। पहले भी मैंने एक जगह में वो जमा करके रखा था, बट जमीन खरीदते समय पैसा कम पड़ गया था ना, तो मैं उसको थोड़ के दे दिया हूँ मेरा पति देव को, क्योंकि हाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन हुआ था कितना सारे 12,000 हुआ था, तो 8,000 लगा, तो बोला है कि बस 8,000 दे देना, और मैंने वो जो बच गया है वो पैसा रख लिया है। और मेरे तरफ से जितना हो सके मैं खेती करती हूँ, और फिलहाल YouTube का पेमेंट भी आ जाता है, तो मेरा तरफ से जितना हो सके मैं उसमें डाल के रखूँगी, चाहे 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 500 रुपया हो, चाहे 1,000 का भी हो, तो उसमें मैं रखूँगी। और मैं लेके आप लोगों को दिखाती हूँ मैं जो कल लेके आई थी कुकर। और गाइस ये वाला दिखाती हूँ, मैंने इसमें 2 जॉक लेके आया है। और गाइस इतना ज्यादा महंगा बोल रहा था ना, कितना बोला था, 265। हाँ मैंने बोला है कि 220 रुपए का लेके गया है, और वो वीडियो भी है बोला तभी 220 रुपए में लिया है। ये लेके आई हूँ जॉक, क्योंकि हम लोग का पास बस एक ही जॉक है, और ये है सेम लेके आई हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा वो घर का सामान खरीदना जरूरी है, क्योंकि बस एक जॉक है और हम लोग का दोस्त आएगा, सब्सक्राइबर आएगा, बस एक ही जॉक दे पाएंगे, इसलिए मैंने लेके आया है 2 जॉक अलग अलग कलर का। मैंने देखा था पिंक कलर का, लेकिन पिंक कलर का है ही नहीं, सेम इसी कलर का देखा था मैंने, बस नहीं है ऐसे कलर का, उसको साइड में रखते हैं। और इसमें लेके आया मैंने कुकर, जो हम लोग का कुकर है ना, कितना 5 लीटर का है ना, इतना बड़ा वो है कुकर है, जो खाना बनाने से भी ना चावल पूरा वो होता ना चिपचा चिपचा जैसे पानी पानी जैसा हो जाता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है खाना, इसीलिए हम दोनों के लिए मैंने छोटा सा एक कुकर लेके आया है। ये जब पहले दुकान में गए थे ना महंगा बोल रहा था, हाँ महंगा बोल रहा था, जो फिर दूसरा दुकान में गया है वहाँ पे मिला कितना सारा 1200 का मिला है ये कुकर, 50 रुपया सभी हो गया ना। हाँ ये वाला लिखा है या कुकर, ये तो आज से ही इसका ओपनिंग होगा ना, खाना बनाएंगे आज से। तो दाल के टेस्टिंग करो, इसका टोपी कहाँ गया, टोपी है ना इधर होगा, टेस्टिंग हो रहा है, अच्छा है दोनों के लिए, और मैं जब अकेले रहूंगी मेरे लिए भी अच्छा है ये, नहीं टोपी है इधर टोपी, ये किसका है, बढ़िया अच्छा है ना, दो आदमी के लिए काफी है, हम दोनों के लिए ना बराबर तो है, तो दो आदमी के लिए। और मैंने इसमें लेके आया 2 किलो चीनी, शुगर हाँ ये बिहू के लिए है, और इसमें लेके आया मैदा भी लेके आया, मैदा हो गया अरे आता हाँ आधा लेके आया है, 2 किलो हाफ ना आधा लेके आया है। और इसमें लेके आया मैंने ये नूडल, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये वाला नूडल 20 रुपये मिलता है यहाँ पे मार्केट में, स्पेशल हाँ बहुत अच्छा, कोरियन वाला इंडियन नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और मैंने इसमें लेके आया प्याज, मुझे ना इस बार बहुत ज़्यादा सस्ता मिला है, 30 रुपये का 1 किलो मिला है, इसलिए मैंने 2 किलो प्याज लेके आया है, ये सब बिहू के लिए है। और भी बहुत सारा सामान लेना है गैस, और हम लोग कल भी जाएंगे बाजार में, वहाँ से बहुत सारा सामान लेके आएंगे, क्योंकि पास में है ना बिहू, ऐसे 10-12 दिन भी नहीं है बिहू, और जिस दिन बिहू होगा उसी समय में फूल बिजू में मार्केट लगते हैं, उसी समय में बहुत ही ज़्यादा महंगा बिकता है सामान, इसीलिए मैं उससे पहले में सामान थोड़ा थोड़ा करके खरीद रही हूँ। और गैस ये मेरा है बैंक, मैं इसको दिखाना भूल गई थी, और मैंने ना इसमें कल रख दिया है पैसा पूरा, कल वो खाना खाते ही मैंने तुरंत यहाँ पे रख दिया था पैसा। और गाइस मुझे अच्छा लगता है ना, जैसे होता है ना बीबिया पति से छुपा छुपा के रखती है, लेकिन मेरा पति को तो सब कुछ पता है मैं इसमें कितना रखती हूँ कितना नहीं, उसको हर चीज़ पता है, क्योंकि वो मेरा अकाउंट भी चेक करता है, तो पैसा निकाल के मैं यहाँ पे रखती हूँ। और गाइस मेरे तरफ से जितना हो सके मैं इसमें जमा करूँगी, इससे होता है ना कुछ अचानक ऐसे भगवान ना करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी बता रही हूँ अचानक कुछ हो गया तो कहाँ से पैसा मिलेगा, इसलिए मैं ये सोच के मैं यहाँ पर सेविंग करती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ। और
शायद हम लोग का ज़्यादा रखने से भी ना शादी का पर्चा अभी तक नहीं हुआ है। शायद मैं थोड़ा यूट्यूब का पेमेंट और इससे खेती बाड़ी करती हूँ उसी का पैसा भी थोड़ा यशमी में रखूँगी। थोड़ा अगर पार्टी वगैरह देंगे ना तो इसी से थोड़ा अच्छा भी हो, मतलब वो पैसा की कमी ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे जमीन वो जमा रखता हूँ। तो मेरा बैंक अकाउंट आप लोग को कैसा लगा है और मेरा ये छोटा वाला क्यूज सा कुकर कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताना गाइस, क्योंकि ना मुझे ये वाला कुकर बहुत ही अच्छा लगा है। इसका कोई ब्लैक वाला भी आता है लेकिन ब्लैक वाला मुझे अच्छा भी नहीं लगता, चावल वाला चीज़ ना उसका मतलब खुशबू अजीब होता है, तो इसीलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगा है। सबसे ज़्यादा मुझे यही अच्छा लगा है मेरा बैंक अकाउंट। फाइनली गाइस घर के लिए इतना सारा सामान ले लिया है, वो भी यूट्यूब का पेमेंट से लिया है। इस बार मेरा थोड़ा तकरा वाला आया है पेमेंट, 15,000 आ गया है, इसीलिए मैंने इतना सारा सामान ले लिया है घर के लिए। और भी सामान लेके आएंगे हम। और गाइस वीडियो बनाते बनाते आप लोग को मैं जो सामान लेके आई थी वो दिखाते दिखाते पूरा मेरा अचानक इतना तेज वो पैर दर्द किया था, क्योंकि ना मैंने सुबह वो खाना भी नहीं खाया था, इमली एक तो खाया था, मन किया था खाने के लिए तो खाया था, और वो खाने के बाद जैसे 5 मिनट भी नहीं हुआ इतना तेज़ मेरा पैर दर्द किया, खाना भी बनाने नहीं चिका है। आज मेरा पतिदेव ने खाना बनाया है और थोड़ा खाना खाया, अभी थोड़ा शांति मिला है, क्योंकि इतना ज़रा पेट दर्द पता नहीं अचानक क्या हो गया था एकदम, तो मैं तो पूरा रो रही थी। इमली खाया? हाँ, इसीलिए सब हो गया होगा, कच्चा इमली खाया था, पका वाला नहीं। भूखा पेट में और खाओ गए ऐसे होता है, नहीं खाना वो तो अभी हम चाय और इमली लगता दोनों मिलकर तैयार हो गया। हाँ, सुबह मैंने पहले चाय पिया था उसके बाद इमली खाया था, वो जो का ब्लैक वाला नमक नहीं होता उसका साथ खाया था, और वो खा के इतना तेज पैर दर्द किया था, और खाना भी तो खा लिया, थोड़ा सा बस खाया था खाना हमने, और मम्मी ने एक अनार दे दिया है, वो जा थोड़ा सा खा लूँगी, उसका बाद जाएंगे हम लोग मंदिर में, क्योंकि अदरक का लगाने का सीज़न भी जा रहा है ना, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसी और ऐसे भी बिहू आने वाला है, ऐसे 12-13 दिन भी नहीं है बिहू। तो दोस्तों आज का ब्लॉग को फिलहाल मैं यहाँ पे समाप्त कर लेती हूँ, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर लेना मैं आज का वीडियो कैसा लगा, मेरा सामान वगैरह कैसा लगा है। तो चैनल में नया है ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग के साथ।